प्यारे बच्चों, आओ आज आपां जानिए कुदरती तौर ते होण वालियां गतिविधियां बारे। जदों तुसी सवेर वेले उठदे हो तां दिन हुंदा है, असमान विच सूरज भी तुसी देखदे हो। सूरज पूरब दिशा तो निकल के पच्छम दिशा वल वधदा होया शाम नूं छिप जांदा है। तुसी सूरज नूं सवेर तो लैके शाम तक घूमदे होए देखते हो। ओ इसलिए क्योंकि साड़ी धरती अपनी तुरी द्वाले घूम रही है। धरती अपनी तुरी द्वाले हर 24 घंटे घूमती है। अते इस समय धरती दा जेड़ा भाग सूरज दे सामने हुंदा है उत्थे दिन हुंदा है, अते जेड़ा भाग सूरज दे सामने नहीं है उत्थे रात हुंदी है। बच्चों, इसी तरह दिन अते रात बनदे हन। सवेर वेले सूरज चढ़ना, हौली हौली धुप तेज होना अते सूरज दा ढलना, फिर शाम हो जानी अते फिर रात हो जाना, यही चक्कर नाल दिन अते रात बनदे हन। जानदे हो अगर धरती घूमना बंद कर दे तां की होवेगा? हमेशा एक पासे दिन अते दूजे पासे रात ही रहेगी। प्यारे बच्चों, तुसी जून महीने दी उड़ीक बेसब्री नाल करदे हो क्योंकि जून विच गर्मी दी छुट्टियां जो हुंदियां हन। गर्मी तो बाद मीं दा मौसम अते उस तो बाद सर्दी दी रुत आ जांदी है। मौसम सदा इक्को जिहा नहीं रहिंदा। जानदे हो क्यों? इस दा कारण भी धरती दा सूरज दे चुफेरे घूमना है। धरती अपना एक चक्कर एक साल विच पूरा करदी है जिसनू वार्षिक गति कहा जांदा है। धरती दे वख-वख भाग साल विच वख-वख समें उते वख-वख मात्रा विच सूरजी ताप ग्रहण करदे हन जिस तों रुत्तां बनदियां हन अते उन्हां विच समें-समें ते तब्दीली हुंदी रहिंदी है। धरती ना केवल सूरज द्वाले घूमती है बल्कि अपनी तुरी द्वाले भी घूमती है। ए पूरी सीधी ना होके थोड़ी झुकी हुई हुंदी है। ऐसी झुका कारण ही मौसम जा रुत्तां बदलदियां हन। इस तरह धरती दे वख-वख भागां ते सूरज दी गर्मी दी मात्रा वख-वख होण कारण सब जगह मौसम भी वखरा ही हुंदा है। जेड़ा भाग सूरज दे ज़्यादा नेड़े होवेगा उत्थे गर्मी अते सूरज तो दूर भाग ते सर्दी भाव मौसम ठंडा होवेगा। आओ हुण थोड़ा बहुत चन्न बारे भी जान लेंदे हाँ। जदों हनेरा हो जांदा है तां आसमान विच चन्न नूं तुसी जरूर देखदे होवोगे। इसदा आकार क्रिकेट बॉल दी तरह गोल हुंदा है पर यह हमेशा गोल नहीं हुंदा। इसदा आकार बदलता रहिंदा है। पता है क्यों? चन्न धरती ते चारों ओर घूमदा है अते अपनी तुरी द्वाले भी घूमदा है। इसलिए इसदा एक भाग हमेशा धरती दे सामने रहिंदा है। धरती दा चक्कर लगाउंदे समय चन्न दा जो भाग सूरज दे सामने हुंदा है सिर्फ ओही भाग सानू चमकदा दिखाई दिंदा है अते बाकी भाग विच हनेरा हुंदा है जो सानू काले आसमान विच दिखाई नहीं दिंदा। इसी कारण चन्न दा आकार घटदा अते वधदा दिखाई दिंदा है। बच्चों, की तुसी जानदे हो कि चन्न दी अपनी कोई रोशनी नहीं हुंदी बल्कि ये तां सूरज दी रोशनी नाल ही चमकदा है। चन्न धरती दा चक्कर 30 दिनां विच पूरा करदा है। इसलिए एक बार ओ धरती अते सूरज दे विचकार आउंदा है अते एक बार धरती दे पिछे। जदों ये धरती दे पिछे हुंदा है तां सूरज दीआं किरणां चन्न ते पै के धरती तक आ जांदियां हन अते चन्न पूरा गोल दिखाई दिंदा है। ए पूरनमाशी दी रात हुंदी है। इसी तरह जदों चन्न धरती दे अग्गे आउंदा है तां सूरज दीआं किरणां धरती ते नहीं आ पाउंदियां ते इह रात मस्या दी रात हुंदी है। देखिया बच्चियो, सूरज दा साडे जीवन विच किन्ना महत्व है। सूरज तो सानू रोशनी मिलदी है,
गर्मी मिलती है, सूरज के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भाव हरे भरे रहते हैं। सूरज तो सानू विटामिन डी मिलता है जो सानू कई बीमारियों तो भी बचाता है। सूरज के कारण ही असी सारे अपना काम काज करते हाँ। जिवें तुसी सवेरे उठ के स्कूल जाते हो अते तुहाडे पिता जी अपने काम ते